देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे 3 दिनों के दिल्ली के दौरे के लिए पहुंच रहे। बताएंगे कौन कौन से नेताओं से मुलाकात होने वाली है और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर और भी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में राहुल गांधी ने मोदी सरकार से बांग्लादेश हिंसा मामले को लेकर पूछ लिए कई सारे टफ सवाल। बताएंगे कौन कौन से सवाल का जवाब नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी और सदन के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों इंडिया गठबंधन के सारे लोग मौजूद रहे और ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा है तगड़ा झटका। बताएंगे फिर से मोदी सरकार की होने वाली है जोरदार किरकिरी। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार परिवर्तन की हवा बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे 3 दिनों के दौरे के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दोस्तों उद्धव ठाकरे अपने बेटे और मंत्री रहे आदित्य ठाकरे के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। ठाकरे ने राजधानी दिल्ली में आकर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करने का फैसला लिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के मुताबिक दिल्ली के दौरे पर उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनके इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेताओं से मिलने को लेकर भी चर्चा चल रही है। जानकारी के मुताबिक इन सभी नेताओं से पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेनी थलास से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में महाराष्ट्र के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच में केंद्र सरकार ने संसद के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश के हालत के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों बड़े दिनों के बाद सर्वदलीय बैठक देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश हिंसा को लेकर कई सारे सवाल पूछे। पहला ये पूछा कि क्या इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ है, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है क्या। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो में बांग्लादेश आंदोलन की तस्वीरें लगाई थी, इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह इस दौरान मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य विपक्षी दलों के लोग मौजूद रहे। दोस्तों बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर 2 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच में सोमवार को हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनको सेफ हाउस में रखा गया है। सांसद आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन के अंदर 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कफन टैक्स करार देते हुए इसका विरोध किया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। उनके साथ शरद पवार भी मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे, रामगोपाल यादव मौजूद थे, अखिलेश यादव के साथ साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों की ओर से इंडिया गठबंधन की ओर से यह प्रदर्शन किया गया है। इन नेताओं ने मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी को वापस लेने के लिए भाजपा सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने पर विधायकी गंवाने वाले जयप्रकाश पटेल को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले मांडू क्षेत्र के पूर्व विधायक जयप्रकाश पटेल को झारखंड हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 5 विधायकों का टिकट काटेगी। विधान परिषद के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों के अनुसार इनके बदले पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। सूत्रों के अनुसार टिकट कटने वाले विधायकों में सुलभा खोडके, ईशान सिद्दीकी और हीरामन खोसकर के साथ साथ जितेश अंतापुरकर, मोहन हनबड़े शामिल है। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक से एक दिन पहले ये खबर सामने आ गई है कि इनको अब टिकट नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इन नेताओं को टिकट नहीं देना एक सही फैसला है, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाले व्यक्ति को कभी भी अगले चुनाव में जीतने या फिर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना न पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भरकर करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भारतीय जनता पार्टी सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त किया जाना चाहिए, यानी दोस्तों लोगों से पैसे ऐसे मामले पर भी वसूले जा रहे जो उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस पर लेने वाले जीएसटी को वापस लिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार को ऐसे पैसा वसूलना नहीं चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों पेरिस के अंदर चल रहे ओलंपिक से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां पर विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया है। वर्ल्ड नंबर 1 को 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराने के बाद उनको दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पहलवानों के तमाम कोशिश के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उसके बेटे को सांसद बनवा दिया गया टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मोदी और अमित शाह एकदम चुप्पी साधकर बैठे हुए थे, लेकिन अब पहलवान विनेश फोगाट ने बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों उम्मीद की जा सकती है कि इस बार वो गोल्ड लेकर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर
ब्रजभूषण शरद सिंह, भारतीय जनता पार्टी और ब्रजभूषण को बचाने वाले तमाम भाजपा के नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। आप लोगों की जो भी राय हो लिख कर जताएगा। साथ साथ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी के बारे में झूठ फैलाया है। सुप्रिया शिनेट ने कहा कि ये खुलेआम झूठ। बीजेपी के सांसद ने बोला है कि प्रियंका गांधी अंबानी के बेटे की शादी में शामिल हुई थी। इस पर सुप्रिया शिनेट ने कहा कि वो कतई शामिल नहीं हुई थी। इस आदमी को झूठ बोलने की लत है, लेकिन यह प्रिविलेज का भी मामला है। कान पकड़ के माफी मांगो, वैसे कार्रवाई तो होगी ही आपके खिलाफ। कुल मिलाकर दोस्तों एक सांसद खुलेआम ये झूठ बोल रहा है कि प्रियंका गांधी ने अंबानी के बेटे की शादी में हिस्सा लिया था, शिरकत की थी, जबकि दुनिया को पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भाजपा का सांसद जो खुलेआम झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि यह सदन के प्रिविलेज का उल्लंघन है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अब सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट का पुराना ट्वीट लोग शेयर कर रहे हैं। इसमें उन्होंने 12 मार्च 2024 को कहा था कि हेट करने वालों यानी मुझसे हिंसा करने वाले लोगों तैयार रहो, आप लोगों के लिए आपके बौखलाहट के लिए बहुत कुछ आने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखो। यानी दोस्तों उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से कह दिया था कि ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीतने वाली है और उनको हेट करने वाले और पहलवानों के खिलाफ टिप्पणियां करने वाले लोगों को और ज्यादा दुख होने वाला। अगर आप भी मानते दोस्तों कि विनेश फोगाट को अब गोल्ड मेडल जीतना चाहिए ताकि ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की नींद उड़ जाए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों सासा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या सीट जिताने की कमान संभाली है। मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर के कटहरी सीट की जिम्मेदारी ली है बीजेपी के। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जिताना प्रतिष्ठा का सवाल है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब अयोध्या से सांसद। आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। भाजपा कोर कमेटी के 4 सदस्यों को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझवा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक को सीसामऊ और करहल सीट की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुंदरकी सीट की जिम्मेदारी दी गई है। महामंत्री धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद सीट जिताने के लिए कहा गया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर बताएगा। क्या उपचुनाव में नतीजे इस बार बदलने वाले? उत्तर प्रदेश के अंदर सासा सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांवड़ियों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए यूपी कांग्रेस की ओर से लिखा गया कि सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी को किसानों पर गाड़ी चढ़ाना हो या कांवड़ियों पर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता में बैठा इनका आका इन्हें बचाने के लिए पीड़ितों को ही दोषी सिद्ध कर देगा। सासा दोस्तों जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले को लेकर ईडी ने किया लालू तेजस्वी यादव के खिलाफ पूरक आरोप दाखिल। ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ पूरक आरोप दाखिल किया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में 13 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। दोस्तों देखते हैं किस तरीके से सुनवाई के अंदर अपडेट निकलकर सामने आएगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राव जेवेन्यू कोर्ट में पहला पूरक आरोप दाखिल किया गया है। 1000 पन्ने का यह पूरा रिपोर्ट है। ईडी के द्वारा दायर मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से निकला मामला है। लालू यादव तेजस्वी यादव के अलावा 8 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो तो कहने लगे कि केजरीवाल दिल्ली यहीं से चला रहे हैं, इसीलिए उन पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि वो इस्तीफा दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। हालांकि केजरीवाल भाजपा नेताओं के प्रदर्शन करने के बाद तो इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है साफ तौर पर, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं तो भाजपा अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।